वेलकम टू वर्ल्ड एनी इंटरनेशनल स्कूल। क्लास सेकेंड आज हमारा इस्लामत का पीरियड है। इस्लामत के पीरियड में आज हम तहारत का सफाई चैप्टर की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 37 ओपन करें, वहाँ हमारा चैप्टर है तहारत व सफाई। तहारत व सफाई, तहारत के लफ्जी मायनी सफाई और पाकीजगी के हैं। तहारत किसको कहते हैं? तहारत सफाई हो, जो सफाई होती है ना उसको तहारत कहते हैं। इस्लाम ने इस पर जोर दिया, ईमान लाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ एक बंदे पे फ़र्ज है वो नमाज की अदायगी के लिए तहारत है। जब तक हम साफ़ सुथरे नहीं होंगे तब तक हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए इस्लाम में नमाज से पहले हमें तहारत का हुक्म दिया गया कि हम पहले सफाई रखें फिर हम नमाज अदा करें। अल्लाह ताला और इसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई बहुत पसंद थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई नफ्स ईमान है। नफ्स का मतलब होता है आधा, जो हमारा आधा ईमान है वो हमारा सफाई से मुकम्मल हो जाता है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई बहुत पसंद थी। तहारत को मुसलमान का आधा ईमान कहा गया है। तहारत को मुसलमान यानी आधा ईमान मुकम्मल होता है जब हम सफाई सुथराई करते हैं। तहारत को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। एक हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है और तहारत नमाज की कुंजी है। तहारत की दो किस्में हैं। एक हदीस में बताया गया है कि नमाज जन्नत की कुंजी, जिस तरह नमाज जन्नत की कुंजी है उसी तरह तहारत नमाज की कुंजी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पाक और साफ रहते थे और दूसरों को भी इसकी तलकीन फरमाते। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन या मुसलमान वजू करता है तो पानी के आखिरी कतरे के साथ ही तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत साफ रहते थे और दूसरों को भी इस चीज़ की तलकीन रहते कि आप लोग भी साफ रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब कोई मोमिन या मुसलमान वजू करता है, जब कोई मोमिन या मुसलमान कोई वजू करता है तो वो जो वजू का आखिरी कतरा होता है उसके साथ उसके सारे गुनाह भी साफ़ हो जाते हैं। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। जो शख्स अपने गुनाहों पर तौबा कर लेता है और जो पाक साफ रहता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। इसका मतलब है कि हमें भी अपने जिस्म और लिबास को पाक और साफ रखना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, अपने हाथों दांतों और नाखूनों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जिस्म और लिबास हमको दोनों चीज़ें साफ रखनी चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, अपने हाथों दांतों नाखूनों की भी सफाई का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। हफ्ते में एक बार नाखून काटें और सुबह व शाम दांत साफ करें। अपने कपड़ों को नापाकी से बचाएं, हमें अपने कपड़ों को किसी भी गंदगी से बचाना चाहिए। हफ्ते में एक बार नाखून काटने चाहिए और सुबह और शाम रात को भी हमें दांत साफ करने चाहिए। अब पेज नंबर 38 पे आ जाएं। हमारा मज़हब इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला को सफाई पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को साफ रखने पर भी जोर दिया है। हर नमाज से पहले दांत साफ करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर नमाज से पहले मिसवाक से दांत साफ करते थे। सफाई से जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है और हम बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। हमारे मज़हब जो है इस्लाम उसमें बताया गया कि अल्लाह ताला को सफाई बहुत पसंद है और दांतों को साफ रखने पर भी सिर्फ हमें अपने जिस्म अपने कपड़ों को पाक साफ रखने के लिए नहीं बताया गया बल्कि हमें दांतों को भी साफ रखने का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज से पहले मिसवाक करते थे और हमें भी हुक्म है कि हम हर नमाज से पहले मिसवाक करें। सफाई से जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है और हम बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। अगर हम साफ रहेंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी और हम तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन अगर हम गंदगी में रहेंगे तो हम अक्सर बीमार रहेंगे। अल्लाह ताला को सफाई बहुत पसंद है इसलिए हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। आज आप लोगों की क्लास कंप्लीट होती है। रीडिंग आप लोगों को जो पहले आपको कॉपी में टाइटल बनाना है सबक तहारत का सफाई का, इसके बाद जो पीडीएफ है उसमें आपको काम दिया जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।